हाँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के सामने एक कागज नजर आ रहा है। हाँ। आप लोग उस पे तीन नुक्ते बनाइए। इन नुक्तों का नाम ABC दीजिए। अब ये तीनों नुकात A, B और C, इसको जोड़ने वाले अपने हिसाब से खतूत बनाइए। शाबाश, आप लोगों ने तीनों ने अलग अलग अंदाज से एक एक खत इससे खींचा है। हर नुक्ते से एक खत खींचने पर आपको अलग अलग शक्लें मिली है। आप अगर अपन पहली शक्ल में देखेंगे तो इसमें हमको नज़र आ रहा है कि इसमें भी तीन खत खींचे गए हैं, लेकिन इसमें जाविये कितने बन रहे, एक और एक दो जाविये बन रहे। उसके बाद ये दूसरी शक्ल है, दूसरी शक्ल का जब हम मुशाहिदा करेंगे तब हमें समझ में आ रहा है कि इसमें भी तीन खत खींचे गए हैं, लेकिन जावियों की तादाद सिर्फ दो है। और ये है तीसरी शक्ल। इस शक्ल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें तीन जिले हैं और उनको इस तरीके से आपस में मिलाया गया है कि नतीजे में तीन जाविये बनते हैं। तो ऐसी शक्ल जिसमें तीन जिले और तीन जाविये मौजूद होते हैं, उस शक्ल को हम क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। शाबाश। तो आज हम मुसल्लस और मुसल्लस की खसूसियत का मुताला करेंगे।